बहुत बच्चा हमको क्या बोलता है बाबू कि क्या मॉडल पेपर पढ़ के बहुत आदमी सपना रहता है 400 प्लस लाने का या कम से कम पास हो सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, लिखवा के लिख लीजिए, लिखवा के ले लीजिए, आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाइएगा। दो तरह का बच्चा होता है ना, जिसको आपको बहुत करता है 400 प्लस लाने का शौक, और किसी को रहता कम से कम पास करने का। पास करने वाला क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा रहता, जाकर मार्केट में मॉडल पेपर आया या गेस पेपर आया, उठा के ले आया, अब बोला कि हम पढ़ रहे हैं उसी से पास हो जाएंगे। नहीं हो पाइएगा। देखिए आपको हो जाइएगा, आप बताइए, पास होना तो बहुत आसान है। बिहार बोर्ड ना बोले तो 50% का एग्जाम लेता है आपको, ठीक है। बिहार बोर्ड पहला बोर्ड है जो आपको पूरे पूरे 50% का एग्जाम लेता है, इसलिए आपको पास होने का टेंशन नहीं लीजिए। पास तो ऐसे भी हो जाएगा, जो नहीं कुछ पढ़ा रहता है ना वो भी पास हो जाता है। आप ये सोचे कि 300 प्लस कैसे लाना है या 400 प्लस कैसे लाना है, ये समझिए, पास तो ऑटोमेटिक हो जाइएगा आप। ऑटोमेटिक नहीं मतलब 100% हो जाते रहता है। आपको एको महीना पड़ता है पास के लिए मत सोचिए, एको डेढ़ महीना पड़ेगा तो आपको 100% आपको क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसके बारे में मतलब मत सोचिए आप, ठीक है। ये आता है कि मॉडल पेपर कैसे पढ़े अभी से, या फिर मान लीजिए हम तो बोल रहे हैं कि अभी से आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं ना कि मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बचा कर आता है कि हम बुक वुक नहीं खरीदे हैं, हाँ मॉडल पेपर सिर्फ खरीदे हैं। देखिए आपको जैसे अकाउंट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर चैप्टर में ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव ए का ले लेते हैं, सब्जेक्टिव का बाद में लेंगे। एक एक चैप्टर 46 मतलब समझिए कि 50, किसी किसी चैप्टर में 70 पूछ देते रहता है, ऑब्जेक्टिव को दिया रहता है इसमें। किसी किसी चैप्टर में आपको कितना रहता है तो किसी किसी चैप्टर में आपको 30 रहता है, हाँ मतलब, लेकिन उससे कम नहीं रहते रहता बहुत सारा गुडविल को छोड़ के, ठीक। देखिए तो एक हिसाब समझ लीजिए 50 ले लेते एवरेज, हाँ। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव की बात करें आपका हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। बाप रे, देखिए 16 चैप्टर है, देखिए दिख रहा होगा आपको 16 चैप्टर है, एक चैप्टर से मान लीजिए 50 कुछ हम 40 ले लेते हैं, मान लीजिए 40 ले लेते हैं, 40 16 हैं, 16 64 मतलब 640 ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ना रहता है। देखिए उसमें से भी आपको हर साल जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ये समझिए मत समझिए कि 100 ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ देगा, नहीं, 30 या 20 से 30 ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है जो आपको नया रहता है, ये याद रखिएगा। तो बुक पढ़ने से भी वो नहीं होगा, जब तक आप एक एक चीज़ समझे नहीं रहेंगे तब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं बनते रहता, ये याद रखिए। वो तो बच्चा कभी ये रहता है कि बुक और हम मॉडल पेपर पढ़ लिए इसका मतलब पूरा जवाब दे देंगे, नहीं, 100 ये मत सोचेगा 100 ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है, नहीं, कुछ नया क्वेश्चन आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव आते रहता है। सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं, इसी चैप्टर का ले लेते हैं, आपको पढ़ना क्या है आपको, हम उसे जैसे 2 का ले लेते हैं एवरेज 30, उससे ज़्यादा भी रहता है चैप्टर में 40 50 60 2 में ले लेते हैं, 30 पूछता है एको मान लीजिए कि चैप्टर से 30 इससे कितना चैप्टर है हमारे पास 16 है, 48 480 मान लीजिए, उसमें से 30 में से क्या बहुत पूछता है आपको, तो कितना 17 जो है कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देता है, हाँ जो बात है 14 में रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको प्रूफ किए हुए थे, रिपीटेड पूछ देते रहता है, तो बच्चा सबका तो बात काम तो यहीं से बन जाता रहता है। लेकिन 30 में से 30 मत ये मत सोचेगा कि इसी से रहेगा, नहीं, 480 पढ़ेंगे जिसमें समझिए 15 आएगा, तो फिर से बेवकूफी कर रहे हैं आप, वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत आदमी क्या होता है ओवर स्मार्ट बच्चा सब बनते रहता है, क्या करता है मॉडल पेपर खरीद लेता है उसी से पढ़ने लगता है, नहीं, आपको पढ़ना क्या ये समझिए, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बार बार बोल रहे हैं कि बाबू मार खा जाएगा। जैसे कोई सा भी चैप्टर ले लेते आपको, कोई सा भी एक चैप्टर ले लेते हैं आपको, ठीक ना बाबू, उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कोई सा चैप्टर ले लिए, इसमें देखिए इसमें जो रहता है आपको ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्ट, उसमें देखिए 40 था ना, 46 मतलब समझे 50, इसमें 19, मतलब कि कम से कम ये जो 19 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ये याद रहना चाहिए, याद रखेगा जो इस बुक से दिया मॉडल पेपर का, याद रहे या नहीं रहे, 50 दिया है ना, 46 याद रहे या नहीं रहे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 19 रटा रहना चाहिए, ताकि 19 से इसमें से 46 देता है, समझे, 19 जो है ना ई वाला जो है उसमें रहता ही है, और एग्जाम में यही पूछते रहता है, हाँ एगो दो जो नया रहता है या फिर मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन सब वो आपको इससे पूछ देते रहता है, ठीक ना। 46 अगर याद करेंगे ऑब्जेक्टिव समझिए, 46 याद करते करते कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना भूल जाते रहते हैं, और इंसान है ना 100% कोई कितना भी तेज क्यों ना भूल जाता है। आपको क्या करना है नंबर लाने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ करने के लिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद करें कि 19 ये रटा रहना चाहिए, हाँ मॉडल पेपर का काम है सिर्फ देखने के लिए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं कि नहीं, इसके लिए रहता है मॉडल पेपर, बाकी ये याद के इतना आपको याद रहना चाहिए, समझे, तब आप मॉडल पेपर बनाने के लिए आइए या क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए आइए। पहले क्या करता है लोग सब क्वेश्चन आंसर या मॉडल पेपर से याद कर लेता है, गलती वहीं पे करता है और पूरा पूरा नंबर
नहीं आते रहता, अच्छा जितना सपना रहता है उतना नहीं हो पाते रहता है, ठीक ना, उसी तरीके से देखिए आपको, ठीक, उसी तरह 2 नंबरी हो, 4 नंबरी हो, अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव कोशिश करिए बुक से, बीएसटी का, अकाउंट का, इकोनॉमिक्स या ईपीएस हिंदी इंग्लिश जो भी हो बाबू, वो आप बुक से पहले देखने का कोशिश करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, उसके बाद वो बनाइए 100%, तब उस तरीके से चलेंगे तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक ना। अगर हम जिस तरीके से बता रहे बाबू कि पहले ये करो फिर ये करो तब आपको आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, समझे। जैसे हम आपको नोट दे दिए हैं, कोई चैप्टर मान लीजिए समझ में नहीं आता है, बीएसटी का अकाउंट का समझिए कि ये चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा है जो, तो क्या करेंगे हम आपको जो वीडियो दिए हैं वो अपलोड जो किए हुए हैं वन शॉट वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा वो भी नहीं देखता है तो क्या करें, कम से कम एक काम और कर सकते हैं आप, क्या मान लीजिए कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है उसके लिए क्या करें, क्या है देखिए, जैसे चैप्टर कोई सा भी उल्टाएंगे, कोई सा भी चैप्टर उसमें देखिए आपको ये दिया रहता है कि मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि क्वेश्चन ये परिभाषा सब दिया रहता है, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत, एक और हम गो थ्रू हो जाएंगे, एक और कम से कम पढ़ लेंगे, बस हो गया, याद रहे या नहीं रहे डजंट कीप मैटर, एक बार पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे कुछ नहीं, हम पढ़े हुए नोट कुछ नहीं है, तब आपको क्या करेंगे, तब मॉडल पेपर खोलेंगे, ठीक ना, मॉडल पेपर खोलेंगे, उससे भी पहले मान लीजिए आपके पास उतना दिमाग होगा जरूर 100% कि ऑब्जेक्टिव सब पूछता है कि नहीं, करेक्टरिस्टिक सब पूछता है कि नहीं, ये सब हम थोड़ा बहुत एक दो बार देख लें, ठीक ना, ये सब देख ले, ये सब हमको देख लेना है, इससे ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है, देखिए बस यहीं पे खत्म हो जाता है, इतना देखेंगे उससे ज़्यादा नहीं देखने। अब मान लीजिए कोई बुक वुक नहीं है किसी के पास, तो मॉडल पेपर में आएंगे 2020, 24, 25 जो लिखा रहता है उसमें टिक लगा लेंगे बाबू और उसी को याद कर लेंगे। मान लीजिए बुक वुक नहीं है किसी के पास, तब बुक है तो पहले बुक को प्रीफर करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आने का कोशिश करिए, तभी आपको अच्छा नंबर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए बाबू, यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा, थैंक यू सो मच।